ওদিকে सो गाइस हम रवाना हो चुके हैं, अभी 4:30 बजे है। तो टाइम है 4:30 बजने में या 4:30 एग्जैक्ट 4:30 बजे है। तो अभी हम रवाना हो रहे हैं, 7:44 में हमारा फ्लाइट है और लेओवर है चेन्नई में। तो इस बार दुर्गा पूजा में इतना लेट हम डिसीजन नहीं लिए, तो दो बार ही हमें लेओवर से गुजरना पड़ा। फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस, और मिथुन का तो इंटरनेशनल ट्रिप पे होता है, पर नेशनल ट्रिप पे मिथुन का भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दो ढाई घंटे का जर्नी, हमें कितने टाइम ये करके आना पड़ता है। तो आज भी हम 2:30 बजे घर पहुँचेंगे। 12:20 में चेन्नई से फ्लाइट है, तो यहाँ पर आते आते बेंगलोर में पहुँचते वहते मेरे घर हो जाएगा वही 2:30। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह है आर्यन का पीटीएम, तो इसलिए हम और भी जल्दी आ रहे हैं, वरना लक्ष्मी पूजा कवर करने का हमारा मन था। तो वहाँ पे मैं नहीं जाने वाली क्योंकि ऑस्कर को भी लेने जाना है, तो मिथुन जाने वाले हैं पीटीएम में, और मेरा तो वो लगेज वगैज वो ठीक ठाक करना। 2:30 बजे घर पहुँचने के बाद पॉसिबल नहीं कि सारी चीज़ें ठीक ठाक से अरेंज करना, वो चीज़ें मुझे सुबह उठने के बाद अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्कर अगर एक बार आ गया तो सब कुछ तहस नहस कर देगा। तो उससे पहले मुझे घर को प्रिपेयर करना है। सिक्योरिटी चेक हमारा हो चुका है, पर आज पहली बार मेरा बैग दो बार चेकिंग हुआ है। किस कारण की वजह से वो नहीं बोला, क्योंकि रीज़न तो वो लोग बोलते नहीं है। सेकेंड बार हुआ है और हर बार मिथुन को इतना ज़्यादा टाइम लगता है सिर्फ इस बैग के लिए। इसमें फुल 4-5 लेंसेज है, 2 कैमरा है, सारे बैटरी की चीज़ें, इसलिए इतना टाइम लगता है मिथुन को सिक्योरिटी चेकिंग में। पर मेरा भी इस बार 2 बार हुआ है। जब भी हम कोलकाता एयरपोर्ट से गुजरते हैं तब आर्यन को भूक आके नॉक 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 करते हैं, तो आर्यन उस टाइम में सीधा भाग के दौड़ के चले जाते हैं बिरयानी भाई में यहाँ पे चले आते हैं। तो अभी भी हम वापस जा रहे हैं आर्यन को क्या बिरयानी खिलाने, है ना, बिरयानी भाई तो हमारा भाई है इसलिए। अच्छा, बिरयानी भाई आर्यन का भाई है, फिर भी आर्यन को थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं देते। आर्यन एवरीडे हमारे सामने इस तरह से बिरयानी खाता रह गया, तो हम भी तो कभी ना कभी खाएंगे ना उसके साथ। आप भी थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए, कभी अगर यहाँ पे आते हैं कोलकाता एयरपोर्ट पे तो बिरयानी भाई का बिरयानी थोड़ा बहुत ट्राई कीजिए। बाहर से मत लीजिए, अंदर वाला सा लीजिए। हाँ, अच्छा होता है। हाँ, बाहर वाला थोड़ा एग्जैक्टली बाहर से उस टाइम में हम लिए थे, बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं था और क्वांटिटी भी बहुत ही कम था। तो यहाँ से जो क्वांटिटी है, मेरा तो पेट फुल होने के बाद भी थोड़ा सा राइस रह जाएगा, तो इस तरह से क्वांटिटी वो लोग देते हैं और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। तो अंदर से लीजिएगा, बाहर से मत लीजिएगा। एक छोटू सा आर्यन का फ्रेंड, अगर क्यू को थोड़ा सा अवॉइड करना हो तो हमेशा फाइनल कॉल में आ जाइए कॉफ़ी पीने के लिए। एवरीडे कॉफ़ी पीने की वजह से हम फाइनल कॉल में आ जाते हैं। 2.5-3 घंटे पहले हम पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, उसके बाद भी खुद के अंदर बातचीत करना, ये वो कॉफ़ी, अच्छा सा कॉफ़ी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, दिस इज़ द कैप्टन फ्रॉम द फ्लाइट। चलिए अभी रखती हूँ। तो Unfortunately, I do not have some good news. We will be delayed for our departure. This is advised by the ATC and my company. We shall be departing approximately after 20 minutes. The flight time to Chennai is 2 hours, and we expect some fair weather. However, it is a good practice to keep your seatbelt fastened at all times. And it's a pleasure to work for today. Transfer time.
কানেক্টিং ফ্লাইট হচ্ছে ইয়ার ইন্ডিগো নো টাইম কেন তুমি লিটল রাইটলিস লাগেজ নিয়ে বেরোনো তো টাইম তো তুমি বেরোনো তুমি নেক্সট ফ্লাইট কি করে ক্যাচ করবে মি স্যার ওদের তো বলা দায়িত্ব নেই वैसे भी हम 2:30 बजे पहुंचने वाले थे अब क्या होगा पता नहीं जब कॉफी पीती हूँ ना तो इतना तो मैं छोड़ ही देती हूँ कप में पर आज नहीं छोड़ूंगी पता नहीं किसके ऊपर गिर जाएगा या सीट खराब हो जाएगा अब हम हैं चेन्नई में तो चेन्नई सिटी आज मेरा थोड़ा सा काम आर्यन अपने कंधों पे ले लिया है पहुंच गए हैं हम चेन्नई चेन्नई में हमारा पहली बार है ये और अभी यहाँ पे बैगेज कलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से हमें एंट्री करना पड़ेगा यही प्रॉब्लम है और ओनली 1.5 घंटे का ले ओवर है मिथुन बोल रहा है कि छूट जाएगा हमारा फ्लाइट तो यहाँ से बस में जाना पड़ेगा बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है और फिर से यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग पे हमें जाना पड़ेगा और पूरा ये जो कैमरा का बैग है ये पूरा खोल के एक एक लेंस अलग अलग करना पड़ेगा काफ़ी टाइम लग जाता है एक घंटा भी टाइम है हमारे पास तो थोड़ा सा चेन्नई एयरपोर्ट तो देख ले क्योंकि कभी इससे पहले कभी तमिलनाडु पे तो आ चुकी हूँ पर ये नहीं देखा चेन्नई नहीं देखा तो एयरपोर्ट से ही परचेस तो देख ले फ्लाइट है 1 बजे वो भी 1 बजे छोड़ेगा कि नहीं इसका भी कुछ ठीक नहीं इतने रात को अगर डिले होता है ना तो बस पता चल जाता है उस टाइम में ट्रैवल का मजा क्या है मोदी जी आए थे चेन्नई में शायद मोदी जी और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग शायद डिले बराबर एटलीस्ट 4 बजे तो पहुंच ही जाएंगे फिर 9 बजे आ रहे हैं इनका पीटीएम ऑस्कर को भी लाने जाना है ऑस्कर को भी लाने जाना है 10 बजे के अंदर नहीं वो मैं रीशेड्यूल किया 11:30 को 11:30 ओके को पायलट और ऑटो पायलट पे थे फ्लाइट एटलीस्ट इतने दिनों बाद है हम घर में और जैसे कि हर बार की तरह जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो 4-5 ऐसे बॉक्सेस आके मतलब आ जाते हैं सिक्योरिटी के वहाँ पे और वो मुझे कलेक्ट करके आना पड़ता है तो वो लेके आई और एक मिसिंग है वो नहीं मिल रहा है पता नहीं उसमें क्या था पर सारे ब्रांड्स के ही चीज़ें होते वो मिसिंग है कल जाके देखना पड़ेगा अभी तो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान देने का मन नहीं कर रहा है अभी जस्ट मन कर रहा है जाओ और चेंज वेंज करके बस सो जाओ कल का कल देखा जाएगा कल क्या करे घर का हालत भी आने के बाद ना मतलब देख नहीं सकती घर का हालत ये है घर का हालत सब कल तो चलिए अभी इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं क्योंकि
कल से शुरू करते हैं नया व्लॉग, और ये व्लॉग मैं 100% ट्राई करूंगी कि कल ही मैं इसे एडिट करके अपने लिए पोस्ट कर पाऊँ। जब भी हम कहीं से आते हैं ना तो उसके नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जितने भी इसमें गंदे कपड़े वगैरह है सब कुछ क्लीन करना है, क्योंकि लास्ट डे हम कोई भी कपड़े नहीं धोए क्योंकि वो गीला रहेगा, लाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो एक मिनट, तो कल तो मेरे लिए वो दिन है, कल होगा बहुत ज़्यादा साफ सफाई, और उसके बीच में भी मैं थोड़ा सा टाइम निकल के वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो चलिए आज इस ब्लॉग पे यही पेंट करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।